मुझे बहुत एनर्जेटिक लगा, बहुत पेपी नंबर है और बहुत दिनों बाद ऐसा कोई डांसिंग नंबर आया जिसको सुनते ही मतलब यू नो आप सिर्फ ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, यू हैव टू डांस टू द मूव्स. बहुत अच्छा लगा मुझे सॉन्ग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें टाइगर श्रॉफ को देखना, मतलब उनके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी, वो इतने अच्छे लग रहे थे सॉन्ग में. गाना तो ओरिजिनल सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है. दिस वाज द रीमेक सॉन्ग, बट दिस इज वन ऑफ दोज रीमेक्स दैट आई लिसन टू एंड आई कुडंट रियली फिगर आउट. आई मीन आई वुडंट से आई कुडंट फिगर आउट, बट देन इट वाज अ गुड रीमेक. अच्छा है, एनर्जेटिक है काफ़ी. टाइगर, अनन्या और जो नई लड़की ताड़ा है, काफ़ी एनर्जेटिक है. गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है. गाने के जो डांसिंग है तीनों का सब एकदम मस्त लगा. गाना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा फिल्मांकन है और टाइगर श्रॉफ का जो डांस है नो डाउट कोरियोग्राफी जो रैम्बो की है काफ़ी अच्छी रही है. और दो नई एक्ट्रेस हैं जिनको लॉन्च किया है धर्मा प्रोडक्शन ने, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रहेगी. गाने में की बात करें, सॉन्ग की बात करें तो परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी रही है. एक्ट्रेस की बात करूँ नो डाउट टाइगर श्रॉफ तो टॉप है, टॉप पे चलेगा और चलता रहेगा. गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा. मतलब रिमिक्स था लेकिन ठीक अच्छा था. मुझे एक्चुअली पर्सनली पुराने गाने बहुत पसंद है, रीमेक है फिर भी ये थोड़ा डांस के अकॉर्डिंग ये बहुत सही है. और वो था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन था, वो बहुत ही जर्नी सॉन्ग जैसा था, वो कार में शूट किया गया था. दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. हमको ये पूरा अलग एक विजन देता है कि इसमें डांस है, इन्होंने इसको म्यूज़िक अलग से दिया हुआ है विशाल शेखर ने. सो इट्स बेटर, इट्स राइट. वो था डिफरेंट, दोनों ही बहुत अलग है एक दूसरे से, हम कंपेयर नहीं कर सकते. काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक डांस है, स्टेप्स अच्छे हैं काफ़ी. ऐसे भी अच्छे अच्छे डांसर हैं. हिज डांस इज़ एज़ यूजुअल वेरी गुड एंड ही हैज़ प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन दैट ही इज़ अ वंडरफुल डांसर, बट दिस इज़ अ बिट टू रिपीटेटिव आई पर्सनली फील. भाई भाई की तो बात ही छोड़ो, वो तो स्टेज पे उतर जाए तो फिर तो कमाल ही कमाल है. अनन्या और तारा का भी दोनों का भी अच्छा है, बट ये अभी ये सॉन्ग क्लब में सबसे ज़्यादा चलने वाला है, सब लोग क्लब में सॉन्ग होएगा. गिली नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग द डांस. आँख तो टाइगर के ऊपर ही है जब वो डांस कर रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. हमने पहले भी देखा है कि उन्होंने डिस्को दीवाने था जो बहुत ही धमाकेदार था, अगेन हमको यहाँ पे वही एनर्जी देखने को मिल रही है. टाइगर है जो बहुत ही अच्छे डांसर है, तो अभी वो मज़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है उसकी वजह से. नहीं कंपैरिजन क्या करना है, ये एक नया रिमिक्स वर्जन है, उसमें कंपेयर करने से कोई जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ ठीक है, जैसा भी गाना रीमेक वर्जन आई मीन ठीक है, बट ये है कि जो ओल्ड सॉन्ग होते जो रेट्रो के सॉन्ग थे उनकी तो एक अलग ही बात थी, उनका जो म्यूजिक था, उनका जो सिंपली डांसिंग था. बट ये कि इसको अगर रिमिक्स किया गया है तो ये भी अच्छे तरीके से किया, और इसमें स्टार जो भी इसमें तीनों स्टार कास्ट थे उन्होंने डांसिंग भी अच्छा किया, उसको कोरियोग्राफ भी अच्छा किया गया और म्यूजिकली भी अच्छे तरीके से. इसी कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ऑफ कोर्स, बिकॉज ये पेपी सॉन्ग है. वो वाला जो था वो पेपी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक रोमांटिक ट्रैक कह सकते हैं क्योंकि उसमें कोई डांसिंग मूव्स नहीं थे. लेकिन इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट किया गया है, हालांकि जो ओरिजिनल लिरिक्स है उसको ओरिजिनल ही रखा गया, विच इज़ अ गुड थिंग एंड कूडोज टू दैट, कूडोज टू म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दैट एंड अदर देन दैट. बट ऑनेस्टली सेइंग मुझे अभी वाला अच्छा लगा क्योंकि ओरिजिनल से ही इंस्पायर्ड है, तो दोनों ही अच्छे लगे. कंपेरिजन क्या कि देखिए धर्मा प्रोडक्शन की बात करते तो उसकी चाहे सॉन्ग हो चाहे फिल्म हो चाहे कुछ भी हो सब कुछ अच्छा ही बनता है. ज़रूर चलेगी, चलती है, कलंक भी चल रही है तो चलती है. फिल्म्स का क्या है कि यूथ को अगर अट्रैक्ट करती है तो लोग एक बार तो देखने जाते हैं कि क्या है, चलो हम भी देखते हैं. और ये यूथ को ओरिएंटेड है तो ये ज़रूर हिट होगी. तारा और अनन्या दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं. अनन्या बहुत क्यूट लग रही है, तारा बहुत हॉट लग रही है ऑफकोर्स. और टाइगर जब स्क्रीन पे है ना तो एक्चुअली डांस करते वक्त और कोई आजू बाजू नज़र नहीं आता है, तो मेरी नज़र सिर्फ टाइगर पे थी. चलेगी, अच्छा है, थीम अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर जो होंगे वो उनको अपील करेगी ये स्टोरी. ट्रेलर देखते हुए तो एक्चुअली जैसे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी उसमें तीनों लॉन्च हुए थे, वरुण और मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया. बट उसको देखते हुए ये इसमें दो एक्ट्रेस हैं जो कि अभी लॉन्च हो रही हूँ, प्लस टाइगर तो हमारे तो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट लग रही है. तो क्या क्या वो भी चली थी वो अपनी जगह थी और ये भी चलेगी कि वो अपनी जगह. आई होप सो कि चलनी चाहिए जिस तरह के डायलॉग्स है, बिकॉज यूथ को कनेक्ट करती हुई फिल्म है, सो आई थिंक कि चलनी चाहिए. ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग है ट्रेलर. हालांकि काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा था सोटी वन से, बट ऑफकोर्स उसका सीक्वल है तो थोड़ी बहुत चीज़ें सेम तो होंगी होंगी. बट या ट्रेलर इज़ नाइस, इट्स आई थिंक इट्स वर्थ वेटिंग कि कुछ रिफ्रेशिंग होगा. बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है स्टोरी में, सिर्फ जाओ इन्जॉय करो और आ जाओ. अच्छा है, मुझे लास्ट वाली फिल्म से इसका ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा. अदरवाइज आई एम नॉट, मुझे इतना इस सीरीज़ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मुझे लगता है उन्हें स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है,
दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उस मुकाम से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि वो अपने अब जाके वो काफ़ी अपने फिल्म के जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, उस पर काफ़ी काम करते हैं और उसे चुनने में बहुत ही मुझे लगता है वो ध्यान देते हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगता है या क्या इम्पॉर्टेंट है स्टोरी, तो वो उस पर काम करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि कमर्शियल फिल्म्स होती है या इस तरह से, मैं ये सोचती हूँ उनके बारे में। उनकी डांसिंग तो हमेशा एकदम एक लेवल की होती है, उसको कंपेयर करना किसी से गलत बात होगी। वो हमेशा डिफरेंट टाइप, माइकल जैक्सन उनके रोल मॉडल है, उसी हिसाब से डांस करते हैं, काफ़ी कूदा फांदी करते हैं, तो अच्छा डांस था, मुझे पसंद आया। तारा और अनन्या का रोल एक जैसे एक मेल डांसर के साथ एक फीमेल डांसर का रोल होता है, वही रोल है उनका भी। उनका कोई, मुझे नहीं लगा कोई इंडिविजुअल कुछ उनका होना चाहिए था, लेकिन था नहीं, वो टाइगर के साथ ही डांस कर रहे थे। हाँ देखा, मूवी का ट्रेलर तो अच्छा था, प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से भी शायद अच्छा होगा ये, आई डोंट नो, आई होप। हाँ बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी तो हिट होने वाली है, ये उन्होंने भी बोला ये एस्केपिंग मूवी है, तो लोग एस्केप करने के लिए अच्छी मूवी है ये, फॉर एंटरटेनमेंट इट्स अ गुड मूवी।